चांदनी ओ मेरी चांदनी तू मेरी चांदनी। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। ऐसी थी वो जाने कैसी कैसी थी वो। एक मुद्दत से तेरी याद आई न हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। चांदनी ओ मेरी चांदनी तू मेरी चांदनी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये दो सादा बोल जानिया जहां मैं पहली बार न जाने किसने किससे कहे होंगे। जब ये बोल मोहब्बत की दुनिया में किसी ने दोहराए, मासूम हंसी बेकल होकर दीवानावार चले आए। निपेत से आवाज आती है और फिर चांदनी चांदनी की पुकार सुनकर सफेद कपड़ों सफेद दुपट्टा लहराती सफेद धुंध के बीच श्रीदेवी जब पर्दे पर आती है तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आज 24 फरवरी है, इस चांदनी को याद करने का दिन। वो सितारा जमीन पर आया और 2018 में आज की तिथि को उसे नील आकाश में कहीं खो गया। 39 वर्ष पहले आई थी ये फिल्म चांदनी, जिसने श्रीदेवी को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। यश चोपड़ा की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड चांदनी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मध्यम वर्गीय परिवार की एक चुलबुली लड़की की भूमिका में श्रीदेवी ने उत्कृष्ट अभिनय किया। 14 सितंबर 1989 को फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद युवतियों में फैशन में सफेद सलवार कमीज और दुपट्टे का चलन बढ़ गया। इस फिल्म के पहले शायद ही किसी अभिनेत्री ने सफेद बिंदी लगाई हो। सफेद लिबास सफेद बिंदी घुटनों से लंबी चोटी हाथों में कांच की चूड़ियां पहनकर ये चुलबुली लड़की दर्शकों को अपने मोहपाश में बांध लेती है। चांदनी की नकल में उस दौर में लड़कियों ने फिल्म के दोनों पृष्ठ के रूप को कॉपी किया। सलवार कमीज हो या शिफॉन साड़ी वाली चांदनी सर चढ़ के बोल रही थी लोगों के। रेचल डायर ने अपनी पुस्तक में यश चोपड़ा का जिक्र किया है। बताया गया कि पहले भानु अथैया ने ड्रेस डिजाइन किया था, जो यश चोपड़ा को पसंद नहीं आया वो लीना को लेकर आए और फिर जो पर्दे पर नजर आया वो तो सबको मालूम ही है। चांदनी नाम वैसे तो यश चोपड़ा की पहली के फिल्म सिलसिला में रेखा का था और बताते हैं कि यश चोपड़ा ने उन्हें ही पहले सोचा था इस रोल के लिए, मगर बात बनी नहीं। किसी इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने कहा भी था कि अच्छा हुआ चांदनी श्रीदेवी के साथ बना ली। मूल कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। श्रीदेवी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ फिल्मों की एक सुपरस्टार थी जब वो हिंदी फिल्मों में अपना नाम बनाने आई, मगर 1975 में आई जूली में उस फिल्म की हीरोइन लक्ष्मी की छोटी बहन के रोल से वो बॉलीवुड की चमक से नावाकिफ हों ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जब 1979 में 16 साल में उन्होंने बतौर अभिनेत्री एंट्री की, आरंभ में जितेंद्र राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कई हिंदी कमर्शियल मसाला फिल्मों में काम किया, जैसे कि हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, ये सब के सब एक ही वर्ष 1983 में आई। तोहफा मकसद 1984 में, मास्टर कर्मा के बाद वर्ष 1987 में मिस्टर इंडिया से पहचान जो है वो हर वर्ग तक पहुंची, यानी कि दर्शकों के हर वर्ग तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। वक्त की आवाज के तुरंत बाद यश चोपड़ा जैसे जौहरी के हाथों ये नगीना पड़ा और आज के सिनेमाघर की फिल्म 1989 में चांदनी बनी। वैसे तो 1983 में कमल हासन के साथ सदमा फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय के अलग गहरे रंग से सब वाकिफ हो ही चुके थे, मगर कमर्शियल सिनेमा के लाइमलाइट, बड़े बैनर और सिनेमा के हर मांग को पूरी करती चांदनी में जैसे खुल के मौका मिला और फिर सिल्वर स्क्रीन पे ये गोल्डन गर्ल बॉलीवुड के दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। ये सक्सेस स्टोरी यही नहीं थमी बल्कि यहाँ से पकड़ और मजबूत हो गई। चालबाज के बाद लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, इनकलाब, फिर जुदाई, उसके बाद वो बड़े पर्दे से जैसे अपने रियल लाइफ स्टोरी को बनाने संवारने में लग गई।
फिर 2004 में टीवी पर मालिनी अय्यर के नाम से खूब हंसाया। शायद इस पॉज के बाद धमाकेदार एंट्री फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से हुई। फिर 2017 में मॉम टाइटल से फिल्म आई। गंभीर विषय पर बनी इस फिल्म में भी श्री के अभिनय के पैनेपन पर जो अनुभव की चमक थी उसे सबने काफी पसंद किया था। बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिया गया, मगर कुछ तेज चमकते सितारों की चमक उसकी रोशनी की उम्र कम ही होती है, मगर कलाकार कहीं नहीं जाते, अपने किए गए काम से हमेशा हमेशा हमारे बीच रहते हैं। तभी तो हम फिर से 1989 की फिल्म चांदनी को लेकर सिनेमाघर में उपस्थित हैं। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में शिफॉन साड़ी में चांदनी और शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया का झमझमाता संगीत का जादू जैसे हर जबान पे चढ़कर बोल रहा था। विनोद खन्ना का नाम बतौर एक्शन हीरो शुमार किया जाता है, मगर चोपड़ा साहब ने उनसे एक भी एक्शन सीन इस फिल्म में नहीं करवाया। विशुद्ध रोमांटिक फिल्म बनाई गई। अनुपम खेर कैरेक्टर रोल में नजर आए। सुषमा सेठ, मनोहर सिंह के अतिरिक्त मेन लीड में वहीदा रहमान नजर आई और चांदनी के रोहित अर्थात चांद ऋषि कपूर बने। बात संगीत की करें तो आनंद बख्शी के खूबसूरत लुभावने शब्द ने क्षेत्रीय सत्ता चित्रता से लेकर दिल के हर रंग को शब्दों में खूब पिरोया। सुरेश वाडेकर अनुपमा देशपांडे का डुएट पसंद किया गया तो पामेला चोपड़ा के गाए मैं ससुराल नहीं जाऊंगी को अलग पहचान मिली। आशा भोसले, विनोद राठौड़, नितिन मुकेश, जॉली मुखर्जी, बावला मेहता के स्वर में अलग अलग नौ गीतों ने तो कमाल किया, मगर हमारे देश की स्वर कोकिला लता जी मंगेशकर ने अपनी आवाज में कुछ गीत गाए इसके लिए। जिन्होंने प्रेम रोग फिल्म की कहानी लिखी थी उनकी कलम से ही चांदनी की कहानी बनी। नाम कामना चंद्र, संवाद सागर सरहदी की, पटकथा उमेश कलबाग और अरुण कौल के। इतने वर्षों बाद की ये फिल्म आज भी जैसे लगता है कि कल ही की बात हो। चांदनी को जाने इससे पहले पात्रों का परिचय कर लेते हैं। चांदनी माथुर के किरदार को श्रीदेवी द्वारा निभाया गया। रोहित गुप्ता का रोल ऋषि कपूर ने पर्दे पर जीवंत किया। ललित खन्ना एक बिजनेसमैन और इस फिल्म के दूसरे हीरो की भूमिका में आए। ललित खन्ना की मां के रोल को वहीदा रहमान ने लता खन्ना के नाम से निभाया है। अरमानी गुप्ता रोहित गुप्ता की मां का रोल सुषमा सेठ निभा रही हैं। पिता के किरदार में मनोहर सिंह हैं, जिनका नाम है पर्दे पर निहाल गुप्ता। राम गोपाल बजाज शिव प्रसाद माथुर व चांदनी के पिता की भूमिका में नजर आते हैं। इस फिल्म की कड़ियों को जोड़ने वाला रोल अनुपम खेर ने निभाया है रमेश मेहरा के नाम से, जो रोहित गुप्ता के बहनोई हैं, जबकि बीना चैटर्जी उनकी बहन का किरदार निभा रही हैं। मीता वशिष्ठ भी एक संक्षिप्त मगर इम्पोर्टेंट रोल में नजर आती हैं। किरण चावला के रूप में चांदनी के बचपन की सहेली। इस फिल्म में जूही चावला भी थी, जो कि कुछ ही वर्ष बाद यश चोपड़ा की फिल्म डर में नजर आई थी। ने देविका शास्त्री का बेहद छोटा सा इम्पोर्टेंट रोल किया, जो ललित खन्ना की पूर्व प्रेमिका बनी है। फिल्म चांदनी का आरंभ ही बहुत फेस्टिव है। दिल्ली में शादियां सिर्फ शादियों तक नहीं बल्कि पूरे तामझाम और शाही ठाट को भव्यता को दर्शाने का होता है। इसी बात को इस फिल्म के शुरुआती सीक्वेंस में दिखाया गया है। चांदनी अपनी बुआ की लड़की की शादी में शाहजहांपुर से दिल्ली आती हैं। चांदनी एक 18-19 बरस की लड़की है जो सादा मासूम अल्हड़ खूबसूरत है। अपने माता पिता के आदर्शों में पली हुई, अपनी संस्कृति के संस्कार में पगी हुई, मध्यम वर्गीय आहार व्यवहार वाली उसकी बड़ी बुआ भी वहीं मौजूद हैं और छोटी बुआ के घर वो आई है। जब इतने दिनों बाद बड़ी बुआ से मिलती है तो उसके हाथों से अचानक लगी हल्दी चांदनी के गालों पर लग जाती है, जैसे आगे की कहानी बयान कर रही हो। नीलू से मिलने जिसकी शादी है उसकी छोटी बुआ की लड़की चांदनी ऊपर जाती है, तभी रोहित की धमाकेदार एंट्री होती है फिल्म में। और फिर पुपेरी बहन से चांदनी को मालूम होता है कि ये चांदनी के कजिन भाई आनंद का दोस्त है रोहित गुप्ता। शाम होती है और महिलाओं के संगीत की रस्म में चांदनी अपना उजाला बिखेरती है। मेरे हाथों से नौ नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सखी।
मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आंख शतरंज भी मोटी है, मेरे बाबुल फिर कहना फिर छोटी है, तेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, तेरी आंख शतरंज भी मोटी और जब चांदनी बिखरी तो भला कोई भी उससे कैसे बच सकता था। हुआ भी यही, रोहित बहाने से आया और फिर हाथ में कैमरा लिए चांदनी को अपनी नजर में समेट रहा था। सीढ़ियों पर भागती चांदनी को रोहित लाइटर की रोशनी में जब कहता है, बनाने वाले ने जब तुम्हें बनाया होगा तो शायद एक बार तो उसकी नियत जरूर डोल गई होगी। तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो कि खूबसूरत लफ्ज भी तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाए। फिर सीधे सीधे कह डालता है, मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि शायद ही कभी किसी को किसी से हुआ हो। अब तो तुम्हें भी मुझसे हो गया होगा, बोलो हाँ कि ना। चांदनी की बड़ी बड़ी आंखों से वो सिर्फ उसे देखती रह जाती है और इसे हाँ या ना में नीलू की पूरी शादी निपट जाती है। वो इधर विदा होती है, उधर चांदनी अपने माँ पापा के साथ घर वापसी की तैयारी कर रही है, मगर बुआ के कहने से चांदनी दिल्ली में रुक जाती है। रोहित कहता है, भले शहर में मौसम बदलते हैं, बाहर तो अब आई है। शादी के दौरान रोहित की हाँ की ना का जवाब नहीं मिल पाता है। चांदनी रोहित से पूछती है कि दिल्ली वालों में शर्म हया होती है या नहीं। रोहित जवाब देता है, शर्म करूंगा तो जिंदगी भर कुतुब मीनार पर झंडे हिलाता रहूंगा, बेशर्म बनूंगा तभी तो जल्दी से घोड़ी चढ़ूंगा, क्यों हाँ कि ना। दिल्ली दर्शन के लिए रोहित चांदनी को बाइक पर ले जाता है और फिर वही रट, हाँ कि ना। चांदनी बाइक की बढ़ती रफ्तार से आखिर कही उठती है, हाँ हाँ हाँ। महबूबा, शहर सुना है, शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। शहरों में से शहर सुना भाई, शहर सुना था दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा।
दिल्ली दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली, उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी हाँ यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। मुझको ये परवाह नहीं अब क्या सबकी मर्जी है, सबकी मर्जी को छोड़ो ये तो रब की मर्जी है, मुझको ये परवाह नहीं अब क्या सबकी मर्जी है, सबकी मर्जी को छोड़ो ये तो रब की मर्जी है, कोई दूजा बनी तू मेरी, बनी मैं तेरी, तू ही तो मेरी महबूबा, मैं हूँ वो तेरी महबूबा, तू ही तो मेरी महबूबा। रोहित चांदनी को अपने घर अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ चारों ओर चांदनी की छोटी बड़ी तस्वीरों से कमरा अटा पड़ा है। फिर चांदनी अपनी सहेली का पता चिट्ठी के लिए रोहित को देकर वापस शाहजहांपुर आ जाती है, किरण चावला मॉल रोड शाहजहांपुर, और फिर खत भी आता है। खत में क्या लिखा है, चांदनी तुम्हें हवा का झोंका कहूं कि वक्त की आरजू, दिल की धड़कन कहूं या सांसों की खुशबू, तुम्हें याद करता हूं तो फूल खिल जाते हैं, सुबह होती है तब लगता है कि तुम अपनी जुल्फें शबनम में भिगो रही हो और मैं तुम्हारी आंखों को चूम रहा हूं। सुनहरी धूप में लगता है चांदनी उतर आई है, शाम का ढलता सूरज तुम्हें चंपई रंग के फूल पहना रहा हो और यहाँ बदन मेरा महक रहा है, जब रात अपना आंचल फहराती है तुम्हारी कसम तुम बहुत याद आती हो, मैं आंखें बंद कर लेता हूं और चांदनी मेरे दिल में उतर आती है, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रोहित। चांदनी जवाब देती है, दिल की बात लफ्जों में कैसे आएगी, तुम्हारी पसंद की सब चीजें यहां हैं, मोगरे के फूल, मुस्कुराती शमा और मैं तुम्हारी चांदनी, काश तुम यहां होते। इस खातो किताबत का अगला पड़ाव रोहित पार करता है और अपने अमीर माँ बाप को चांदनी से शादी की बात बताता है। माँ चांदनी को फर्नीचर से तुलना करती हैं तो पिता कहते हैं कि ये प्यार शब्द इतनी जगह बोला गया है कि अपने मायने खो चुका है, मगर रोहित इकलौता बेटा है और बहन का अकेला भाई, साथ में बहनोई रमेश मेहरा शादी के लिए तैयार होते हैं और फिर मंगनी भी तय होती है। ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारा, साल दो साल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो जी।
इस गीत के बोल से घमंडी सास ससुर ननद के बोल जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। रोहित के घर वालों के तेवर से न चांदी अनजान थी न ही उसके घर वाले। चांदी के घुंघरू जब ननद चांदनी को देती है तब अच्छे माहौल में खटाई पड़ जाती है। चांदनी रोहित फिर मिलते हैं, प्यार के पल बिताते हैं, आगे आने वाले जीवन का ख्वाब देखते हैं। रोहित कहता है कि हम अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे और निर्देशक को धरती के स्वर्ग सी जगह को फिल्माने का जैसे मौका मिल गया हो। चांदनी रोहित का साथ, पीली नीली गुलाबी सफेद चंपई रंगों की साड़ी में चांदनी, सफेद दूध या बर्फ पर तो कभी हरी भरी वादियों में रोहित के साथ। आंखें खुलती हैं तब रोहित के कॉल से फोन पर रोहित चांदनी को टेरेस पे आने को कहता है। वो भी उसी के घर पर, शर्त ये कि चांदनी बनकर आना सफेद दूधिया कपड़े पहनकर। यहीं से इस खूबसूरत कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। रोहित हेलीकॉप्टर से चांदनी पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाता हुआ आता है, मगर इसी में उसका एक एक्सीडेंट होता है और वो अपने शरीर के एक हिस्से से कंट्रोल खो बैठता है।
रोहित की माँ बहन का व्यवहार चांदनी के लिए बहुत बुरा होता है, मगर फिर भी चांदनी रोहित का साथ नहीं छोड़ती। उसके घर पूरे दिन के लिए जाती है, उसका ख्याल रखती है एक नर्स की तरह। सबका ताना सुनती रहती है, मगर अपने सब्र को अपने प्यार से बांध कर रखती है। रोहित का हिम्मत हौसला सब उससे ही है। इस बात की खबर चांदनी को भी है। हिम्मत तो बनता है, मगर उसकी दुनिया रोहित आखिर हिम्मत हार जाता है। उसे चांदनी की ये सार संभाल, लाड़ दुलार, ध्यान सब में दया नजर आने लगती है और वो अपने कमरे की सारी तस्वीरों को कवर करवा देता है और चांदनी से रिश्ता तोड़ लेता है। चांदनी का यौवन, चांदनी का वो रूप, वो शोख अदाएं रोहित को अब जानलेवा लगने लग जाती हैं, जैसे उसकी लाचारी का उपहास कर रही हूं। वो खुद को खुद की कुंठा में
अपने आप को, अपने मन की सोच को, सबके झरोखों को बंद कर देता है। कह देता है, मेरी जिंदगी में तुम्हारे प्यार की अब कोई जगह नहीं, तुम्हारे प्यार ने मुझे अपाहिज बना दिया। चांदनी कहती है कि मैं जीते जी मर जाऊंगी ये सुनकर, मैं भी एक जीती जागती इंसान हूं। और फिर लाख समझाने पर भी रोहित नहीं समझता और वो चांदनी से बिछड़ जाता है। रमेश रोहित को कहता है कि जितना चांदनी को प्यार किया उतना ही बड़ा तुमने उसे जख्म दिया है। तब रोहित बताता है कि लोग उसे जीने नहीं देते अगर वो यहां रहती। मैं उसका अकेला सहारा था इस घर में, जो कि अब खुद व्हीलचेयर पर हूं। जब तक उसका दिल नहीं तोड़ता तब तक वो नहीं जाती रमेश भैया। और फिर उसे चांदनी याद आती है। चांदनी नौकरी की तलाश में अपने बचपन की सहेली किरण के पास मुंबई आ जाती है, जो कि अपने पति के साथ वहां रहती है। चांदनी किरण और ब्रिज की सहायता से वहां रहने का सोचती है। आगे क्या होता है, क्या सचमुच रोहित और चांदनी बिछड़ जाते हैं? जरूर बताएंगे, मगर इस छोटे से अंतराल के बाद। हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर NCPCR मना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। FM 106.4 MHz पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम सिनेमा घर। आज के सिनेमा घर में कहानी है चांदनी की। आगे ये होता है कि नौकरी की तलाश चांदनी को जब मुंबई लाती है
और फिर एक दिन जब वो बाहर निकलती है नौकरी की तलाश में क्लासिफाइड्स में देखकर, तो एक अजनबी से जबरदस्ती लिफ्ट लेना पड़ता है क्योंकि उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी जहां नौकरी लेने जाना था वहां पहुंचने के लिए। और फिर पता लगता है कि ये कार वाला व्यक्ति ही ललित खन्ना है जो कि एक लीडिंग ट्रैवल एजेंसी का मालिक है और वहीं चांदनी को इंटरव्यू देने जाना है। चांदनी जब इंटरव्यू देने जाती है तब ललित को देखकर चौंक जाती है, जबकि ललित उसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसने बताया था रास्ते में चांदनी ने कि उसे कहां नौकरी के लिए जाना है। ललित कहता है कि ये ट्रैवल एजेंसी है। जब चांदनी कहती है यानी जो सपने वो देखते हैं उन्हें आप पूरा करवाते हैं, इस तरह ये नौकरी चांदनी को मिल जाती है। ललित चांदनी को क्लाइंट को एंटरटेन करने को कहता है जिससे चांदनी सख्ती से मना कर देती है, काफी नाराज भी होती है और फिर ललित चांदनी से माफी भी मांग लेता है। चांदनी एक शाम ब्रिज और किरण के साथ अपने किराए के घर पर पड़े छापे की वजह से चौपाटी पर घूम रही होती है जहां मुंबई की अचानक हुई बारिश में तीनों भीगने लगते हैं। ललित उधर से गुजर रहा है और जब चांदनी को वो सड़क पर इस तरह अकेला भीगता देखता है तो उसे वो क्लाइंट वाली बात का तंज करता है। फिर असलियत मालूम होते ही ब्रिज किरण को चांदनी के साथ अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखता है और फिर ये तीनों थोड़ी हुज्जत के बाद मान जाते हैं। घर पर ललित की माँ जब चांदनी से मिलती है तो वो बहुत खुश होती हैं। ललित की माँ को चांदनी बहुत प्यारी लगती है। रात गहराती है और ललित की आवाज से बारिश में भीगती चांदनी को उसकी उत्सुकता ललित के कमरे तक ले जाती है। फिल्म की कहानी जो थोड़ी थोड़ी ठहरने लगी थी वो अब आगे बढ़ती है। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है, सावन के फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। चांदनी के कुरेदने पर ललित अपने माजी के पन्ने चांदनी के सामने खोल देता है। दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज को फिर चांदनी के कुरेदने पर ललित अपने माजी के पन्ने चांदनी के सामने जो ही खोलता है, चांदनी कहती है आपने जानबूझकर
दर्द पाला है। ललित कहता है, दर्द की दवा न हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। जाननी, ललित देविका से प्यार करता था। देविका शास्त्री भी ललित को बेइंतहा चाहती थी, मगर देविका अपनी जानलेवा बीमारी से जिंदगी हार जाती है और ललित उसकी याद में तन्हाई में देविका की याद में हर वक्त खोया रहता है। ललित की माँ को चांदनी बहुत पसंद आती है। वो ललित जिसे वो लाली कहकर पुकारती हैं, चांदनी से शादी करने की बात छेड़ती है और फिर ललित जिसे चांदनी पसंद आने लगी थी को शादी के लिए मना लेती है। ललित ज्यूरिख जा रहा है। चांदनी से उसका दोस्ताना व्यवहार अब चांदनी को भी सहज बनाता जा रहा है। इधर बदलते वक्त के साथ रोहित को रोज याद आने वाली चांदनी से दूरी अब मुश्किल या यूं कह ले जानलेवा लगने लगती है। रोहित रमेश की सहायता से स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर के पास अपने पैरालिसिस के इलाज के लिए जाने का फैसला लेता है। जब चांदनी मुंबई में सेटल हो रही थी, उधर रोहित ज्यूरिख में अपना इलाज करवा रहा था और दिनों दिन बेहतर होता जा रहा था। मुझे
ऑफिस पार्टी में ललित को उसकी माँ चांदनी से शादी की बात करने के लिए कहती है, मगर ललित सिर्फ चांदनी से इतना ही कह पाता है कि खूब खुश रहो, लिव लॉन्ग लाइफ। चांदनी कहती है, मुझे खुशी की दुआ मत दीजिए सर। चांदनी सिर्फ 4 दिन की होती है। ललित कहता है कि मैं इसे बदल दूंगा। फिर उसे एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाती है। मुंबई में जहां चांदनी ललित की माँ के साथ उन्हें शॉपिंग करवा रही होती है, उधर ज्यूरिख में ललित और रोहित मिलते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, दोस्ती सी हो जाती है दोनों में। फिर बिना नाम लिए दोनों चांदनी की बातें करती हैं। अपनी प्रेम कहानी कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों। रहती है खामोश सदा बस एक पहेली सी वो, हर दम मेरे साथ मगर लगती है अकेली सी वो। एक ही बात में कर जाती है वो कितनी ही बातें, उसकी बातें खत्म ना हो ढल जाए लंबी रातें। कभी कभी लगती है अपनी, कभी कभी बेगानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। एक शोला सा लपक जाता है, वो छू ले तो आग लगे जल जाए यार ये पानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुना। ललित जिनेवा एयरपोर्ट से चांदनी को कॉल करता है और आई लव यू कहकर चांदनी को स्तब्ध छोड़ देता है। चांदनी रोहित के घर पर कॉल करती है। रोहित की माँ चांदनी को फिर बहुत फटकार लगाती है। किरण को जब पता लगता है कि चांदनी से ललित ने प्रपोज किया है, तब वो उसे ललित को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। रोहित अचानक से चांदनी के सामने आ जाता है। चांदनी चौंक जाती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर खुशी से रो पड़ती है, जबकि इससे पहले ही वो ललित से शादी के लिए ललित को हाँ कर चुकी है। ललित और उसकी माँ को चांदनी जो वचन दे चुकी थी, रोहित चांदनी को बताता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दूर होने की वजह से आज मैं ठीक हो पाया हूँ। चांदनी रोहित को बताती है कि कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है, वो उससे शादी कर रही है। रोहित के सामने ललित की दुल्हन के रूप में चांदनी आ ही जाती है। ये इश्क शायद तपने के लिए बना है। मोहब्बत बिना इम्तिहान दिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये प्रेम मोहब्बत इनके परवान चढ़ने देर नहीं लगती और न ही इनके पर कटने में। लेकिन सच्चा प्रेम हो तो कहते हैं ना कि लव लव नेवर एंड्स, और आखिर में यही होता है। ललित अपने दोस्त रोहित और मोहब्बत चांदनी की शादी करवा देता है। माँ के साथ दोनों को अपनी तरफ से शादी का तोहफा हनीमून टिकट्स देता है स्विट्जरलैंड के लिए। और फिर प्यार का कोई अंत नहीं होता। I'm gonna be the one to make you feel like you're the one.
श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और यश चोपड़ा कोई भी अब इस दुनिया में नहीं, मगर उनका नाम हम सब के बीच है और हमेशा हमारे बाद भी रहेगा। मोहब्बत शिद्दत से निभाए गए रिश्ते यही रहते हैं। कार्यक्रमों के इन्हीं गलियारों में आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिर मिलूंगी किसी एक और फिल्म के साथ, करिए मेरा इंतजार। तब तक दीजिए अनुमति अपने रेडियो साथी सारिका पंकज को कार्यक्रम सिनेमा घर से। प्रणाम। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।